हेलो दोस्तों, गैजेट एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि जियो अपने सिम के साथ काफ़ी ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि जियो द्वारा ही बनाई गई हैं, उनका एक्सेस आपको फ्री देता है, जिनमें आपकी शामिल है जियो टीवी, जियो सिनेमा, ऐसे ही और भी ऐप्स हैं जिनके एक्सेस के लिए यानी कि उनके यूज़ को बिल्कुल जियो ने फ्री कर दिया है। और ऐसे ऐसे कंटेंट्स दिए हैं उनमें जो कि बाकी और अदर ऐप्स उनके लिए पैसे चार्ज करती है आप पे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में या कह सकते हैं कुछ दिनों में ही जियो इन सर्विसेज के लिए पैसे चार्ज करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब जियो धीरे धीरे अपनी फ्री सर्विसेज बंद करेगी, उनके लिए पैसे चार्ज करना शुरू कर देगी। तो खबरों की माने तो कंपनी प्रीमियम मॉडल लाने पर विचार कर रही है। प्रीमियम मॉडल में कहा जाए तो जियो ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जियो अपने ऐप्स के कुछ कंटेंट्स को सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी में रखेगी, यानी कि आपको सारे कंटेंट्स के लिए पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे, सिर्फ कुछ ही कंटेंट्स के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसा कि आप YouTube पे देख सकते हैं कि कुछ मूवीज़ आपको फ्री रहती हैं और कुछ मूवीज़ के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, या तो आप हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ऐसी तमाम सर्विसेज हैं उनमें आपको प्रीमियम कैटेगरी मिलती है जिनके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन जियो सिनेमा या जियो टीवी में ऐसी कोई भी कैटेगरी अभी तक तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही आ सकती है। तो दोस्तों तैयार रहें, अगर आपको भी पहले ही आदत पड़ चुकी है इन ऐप्स को यूज़ करने की, वो भी फ्री में, तो आपको आने वाले समय में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल गैजेट एंड टेक्नोलॉजी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।